अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बैंगन के पौधे के बारे में कुछ ऐसी केयर बताने वाला हूं जिससे कि आपका बैंगन का पौधा ना सिर्फ ऐसे बुशी होगा, एक पौधे से आप तकरीबन 10 से 15 किलो के करीब बैंगन भी तोड़ सकेंगे। आपके पौधे के ऊपर बेशुमार फूल भी आएंगे और फूल के अंदर से बैंगन भी बनेंगे। तो जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, 3 से 4 बातें होंगी। गौर से देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता हो, पौधा लगाने के साथ आपको इसकी केयर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपके पौधे के ऊपर बेशुमार फूल तो आएंगे, आपको खूबसूरत फूल निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनके अंदर से फल नहीं बन पाएगा, बैंगन नहीं बन पाएगा और ये सूख कर गिर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहली टिप दोस्तों, सबसे पहली केयर ये है कि आप जब भी बैंगन का पौधा लगाते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप तकरीबन 16 से 18 इंच के पॉट के अंदर अपना पौधा लगाएं, क्योंकि जब हम छोटे से पॉट के अंदर अपना पौधा लगा देते हैं तो इसके अंदर इसकी जड़ें बहुत जल्दी बाउंड हो जाती हैं और हमारे पौधे के ऊपर फूल आने के साथ ही खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, तकरीबन 16 से 18 इंच के गमले के अंदर एक पौधा लगाएंगे तो आपका जो पौधा होगा बुशी भी होगा और बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ भी जारी रखेगा। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। दूसरी बात, जिस बात का आपने खास ख्याल रखना है वो ये है कि अगर तो आप गमलों के अंदर अपना पौधा लगा रहे हैं, गमलों के अंदर, टोकरियों के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो आपने जो मिट्टी तैयार करनी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो हमारा पौधा अपनी ग्रोथ अच्छी जारी नहीं रख पाएगा। जैसे जैसे हम पानी देंगे वैसे वैसे मिट्टी हार्ड होती जाएगी और ऐसे ही हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो अपनी ग्रोथ जारी नहीं रख पाएंगी। तो आपने खास ख्याल रखना है कि वेल ड्रेन मिट्टी हो, नरम मिट्टी, भालू मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है, तकरीबन 40% भालू मिट्टी हो और तकरीबन 40% ही पत्तों वाली खाद और 20% कोकोपीट आप उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होगी, रिच भी होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे ही मिट्टी को तैयार करना है। और अगर आपने ज़मीन के अंदर पौधा लगाया है तो आपकी जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके बाद जिस बात का आपने ख्याल रखना है दोस्तों वो ये है कि आपने हर 15 दिन के बाद अपने पौधे को ऑर्गेनिक खाद देनी है। आप कोई भी खाद दे रहे हैं तो हर 15 दिन के बाद आप ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। अगर केमिकली फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं तो आप 30 दिन के बाद अपने पौधे को खाद दें ताकि आपके जो पौधे के ऊपर फूल बनते हैं, फूल के अंदर से ऐसे बैंगन भी बनना शुरू हो जाएं। और अगर आप अपने पौधे को खाद नहीं देंगे तो आपके जो फूल होंगे वो कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। खाद के साथ साथ दोस्तों आपने अपने पौधे की टाइम टू टाइम हर 10 दिन के अंदर आपने अपने पौधे की गोडी लाजमी करनी है, क्योंकि गोडी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप अपने पौधे की गोडी करेंगे वैसे ही आपका पौधा बुशी भी होगा, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो हर 10 दिन के अंदर आपने अपने पौधे की गोडी लाजमी करनी है। और अच्छी ग्रोथ के लिए आपने अपने गमलों, अगर आपने अपने गमलों के अंदर पौधे लगाए हैं, बैंगन के पौधे लगाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ हो और इनके अंदर से बैंगन बने, तो आप कोशिश करें कि गमलों को ऐसी जगह पर रखें जहां पर 6 से 8 घंटे की धूप लाजमी आए, क्योंकि जब तक आपके पौधे को धूप नहीं मिलेगी आपके पौधे के जो फूल हैं इनके अंदर से बैंगन नहीं बन पाएंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तकरीबन 6 से 8 घंटे की जो धूप होगी हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट पर जो बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है दोस्तों कि जब भी आप पौधा लगाते हैं तो ज़ाहरी बात है पौधे के ऊपर बहुत से कीड़े मकोड़े भी हमला करते हैं, तो पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए आप अपने पौधे को देखते रहें, चेक करते रहें, कहीं आपके पौधे के तने पर या किसी पत्ते के ऊपर किसी कीड़े ने हमला तो नहीं कर दिया। अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आता है तो फ़ौरन से ही आप उसके ऊपर स्प्रे करें ताकि आपके पौधे को जो कीड़े हैं, मिली बग हो, लीफ माइनर हो या काला तेला है, वाइट तेला है, वाइट फ्लाई है, कोई भी कीड़ा आपके पौधे को नुकसान ना पहुंचा सके और ऐसे ही खूबसूरत बैंगन आपके पौधे के अंदर से बनते रहें और फूल आते रहें। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो स्प्रे आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, केमिकली भी स्प्रे मिल जाती है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप
अपने पौधे पर ऑर्गेनिक स्प्रे ही करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।